नगर के प्रसिद्ध महिला अस्पताल तनेजा हॉस्पिटल में डॉक्टर तराणी तनेजा ने महिलाओं के लिए निशुल्क कैंप लगाया है। महिलाओं संबंधी रोग की जांच निशुल्क की जा रही है। डॉक्टर तनेजा ने बताया कि खान पान, जंक फूड, लैपटॉप, मोबाइल आदि ज्यादा प्रयोग करने से पुरुष का सकाड़ों पर शत पड़ता है, जिसमें महिलाओं का संतान पैदा नहीं होती है। वहीं महिलाओं को भी खान पान का ध्यान देना चाहिए। निःशुल्क कैंप ये महिलाओं के लिए लगाया गया। आप देख सकते हैं प्राइम वेकी न्यूज चैनल के लिए पवन अग्रवाल की खास रिपोर्ट मुजफ्फरनगर से। ये कैंप में निसंतान दंपति के लिए लगा रही हूँ, जिससे उनकी सहायता कर सकूँ। निसंतान दंपति जो होती हैं, तो ये बीमारी काफ़ी मतलब कैंसर से भी भयंकर मान के चलिए, क्योंकि साइकोलॉजिकली अपसेट कर देती है और पेशेंट को डिप्रेस कर देती है दंपति को, और फैमिली भी अपसेट हो जाती है, उनसे मिलने जुले जो भी पेरेंट्स हैं, तो क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारे अंदर कोई कमी है, ऐसा उनको फील हो जाता है, हीन भावना, तो वो फिर ठीक से काम नहीं कर पाती, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, फिर समाज की ग्रोथ नहीं होती है ना, फिर देश में भी तरक्की नहीं होती। तो मेरी मदर की मरते समय आखिरी इच्छा थी कि जो निसंतान दंपति हैं उनकी सहायता जरूर करना, ठीक है। तो इसलिए मेरा ये हर महीने चलता है, मैं हफ्ते में महीने में 2 बार या 4 बार जरूर उनकी ये फ्री कैंप लगाती हूँ। और ये निसंतान दंपति जो है, बच्चा क्यों नहीं ठहर पा रहा, इसकी कई वजह हैं। एक तो यही वजह है लाइफ स्टाइल की, कि देर से शादी होती है तो उसकी वजह से अंडेदानी की क्षमता कम हो जाती है, तो बच्चा ठहरने में दिक्कत आती है। दूसरे आजकल बीमारी बहुत है, जैसे कि बच्चेदानी की रसौली, जैसे कि PCOD अंडेदानी में रसौली बन जाना, उनकी वजह से महामारी अनियमित हो जाती है। मैम, खान पीने से भी कोई फर्क? तो ये लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम होगी ना, कि एक तो देर से शादी हुई, रात को देर से जग रही है, जंक फूड खा रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है, बिल्कुल जैसे पाश्चात्य सभ्यता है वैसी हो रही है, लोग कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं, कंप्यूटर को लैपटॉप पे गोदी में रख के काम करने से जो मेल पार्टनर है यानी कि हस्बैंड है, उनके शुक्राणुओं में कमी आ जाती है, गतिशीलता कम हो जाती है, कई बार वो बिल्कुल डेड हो जाती है। तो ऐसे भी मतलब आते हैं दंपत्ति जिनके हस्बैंड में शुक्राणु बिल्कुल खत्म हो चुके हैं कम एज पे भी, तो बहुत टेंशन होती है। तो ये उनके लिए क्या केयर करनी चाहिए, पुरुषों के लिए केयर करनी चाहिए? एक तो खान पान का ध्यान रखें, सुबह उठें और ये लैपटॉप को अपने से दूर रखें, मोबाइल को अपने से दूर रखें। आजकल ये भी बताती है, ये जो माइक्रोवेव वगैरह यूज करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उन सबसे हमारे जो प्रजनन क्षमता है, बच्चा ठहरने की क्षमता में कमी आ रही है, और मोटापे को ना बढ़ने दें। तो लाइफ स्टाइल को आप पर ध्यान रखना चाहिए। तो मैं इस कैंप के साथ साथ में जो हमारे प्रधानमंत्री की योजना है 9 तारीख को हर महीने का, उसको भी करती हूँ। पर हाँ, मैं आपको नहीं बता पाई, अगली बार से कोशिश करूंगी कि जब भी कैंप करूँ तो आपको बता, कोई पेशेंट होता है तो मुझे लगता है उनको सेटिस्फाई करके भेजूँ, उनको ये ना लगे कि बिना वजह हमको बिठा के।